गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है हमारा डे 4 और आज हम लोग जाने वाले हैं गैंगटॉक से पेलिंग एंड उसके बीच में रास्ते में हम लोग जाने वाले हैं एक चार धाम एक जगह एंड उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं उसके पास में संतृप्त स्टैचू एक है वहाँ पे जाने वाले हैं। बट यहाँ से हम लोगों को पेलिंग जाने में गैंगटॉक से पेलिंग जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, 5.5 आवर्स की ड्राइव है। और चूँकि हम लोग बीच में चार धाम और संतृप्त स्टैचू भी जाने वाले हैं तो हमें और भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए हम लोग अभी सुबह 8 बजे यहाँ से निकलने वाले हैं। तो देखते हैं आज हमें क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ देखने को मिलती हैं। आई एम रियली एक्साइटेड, लेट्स गो। व्हेनेवर समवन आस्क मी हाउ आर यू आई जस्ट से ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। That was one of the most beautiful thing in this hotel. Actually, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मछलियाँ थी बट वो सब भाग गए कैमरा देख कर। नंबर भाई और कितना टाइम लगेगा हम लोगों को पहुँचने में अभी? इधर चार धाम पहले जाएंगे। चार धाम लगेगा अभी 1.5 घंटा। सब पहले हम लोग वहीं जा रहे हैं ना, चार धाम डेढ़ घंटा लगेगा। हाँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे संतृप्त स्टैचू, उसके बाद फिर होटल है ना। हाँ, अभी लग रहा है कि पहले संतृप्त जाएंगे। अच्छा, क्योंकि संतृप्त थोड़ा जल्दी होगा ना। ओके, और चार धाम में ज्यादा टाइम लगेगा, उसमें इसको बाद में जाएंगे। ओके ओके, ठीक है। तो अभी और 2 घंटा। हाँ, 2 घंटा पकड़ो। ओके, नींद मेरे को तो बहुत तेज। अरे सोना मत। नहीं, quick stop for tea and coffee. Desperately need some coffee because I'm very sleepy. हो गया हमारा टी ब्रेक खत्म, अब हम वापस चार धाम की ओर बढ़ रहे हैं। चार धाम की ओर बढ़ रहे हैं। करीबन 4 घंटे के बाद हम लोग यहाँ समद्रुप्त गुरु पद्म संभावा स्टैचू पहुँच चुके हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट नेम है, मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ से मैंने देख के पढ़ा। इस गेट से अंदर जाना है समद्रुप्त गुरु पद्म संभावा स्टैचू। सो हम लोग जस्ट अभी अंदर आए और ये कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ से एक रास्ता, एक्चुअली रास्ता नहीं है, रास्ता उस तरफ से, मैं इस तरह से जा रहा हूँ। This is looking so great. यहाँ पर एक स्पीकर टाइप का लगा है, रास्ते में हम लोग जा रहे थे वहाँ से कुछ कुछ मंत्र की आवाज़ें आ रही हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। Three ways of successful life: learning, earning, and journeying. यहाँ का बहुत एक फ़नी चीज़ है कि अचानक से मौसम चेंज हो जाता है। अभी फिर से अचानक से क्लाउड्स आ गए, पहले बीच में खाली हो गए थे एकदम मस्त, थोड़ा सा धूप भी आ गया था, अभी अचानक से वापस से क्लाउड्स ही क्लाउड्स।
और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी। जल्दी भागना पड़ेगा। नाउ वी आर रिटर्निंग एंड वी आर गोइंग टू चार धाम। सो यहाँ पर संतृप्त स्टैचू के आगे एक नामची रोपवे भी है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा रोपवे, ये कल जहाँ गए तो उससे ज़्यादा बेटर है। ये छः लोग 1062। मुझे बहुत मज़ा है इस रोपवे में, वीडियो भी काफ़ी अच्छी आई है। सो अभी हम लोग यहाँ पे एक्चुअली इनका क्या है कि ऊपर से रोपवे पर आना है, नीचे एक रॉक गार्डन है, तो आप यहाँ पर रॉक गार्डन में थोड़ा सा घूम सकते हो, उसके बाद आप वापस जा सकते हो। ओके सो वी आर डन विद द रॉक गार्डन। काफ़ी सुंदर था, बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स लिए हमने एंड अब हम लोग जा रहे हैं वापस। गाइस तो हम लोग यहाँ पे चार धाम आ चुके हैं। यहाँ पर बाहर लिखा था कि टेंपल के अंदर फोटो लेना अलाउड नहीं है, तो हम लोगों को ये फिगर आउट करने में आधा टाइम निकल गया कि यहाँ पे फोटोग्राफ या वीडियो ले सकते हैं या नहीं। तो अभी बाद में पता चला कि टेंपल के अंदर नहीं लेना है, ये तो बाहर का एरिया है, यहाँ पे हम लोग ले ही सकते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली ये चार धाम ये है कि जो भी हमारे हिंदुइज्म के हिसाब से चार धाम होती है, जैसे जगन्नाथ पुरी, द्वारका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ, तो ये चारों का रेप्लिका यहाँ पर बनाया गया है। सो डैट मतलब जो भी टूरिस्ट या फिर जो भी लोग यहाँ पर आते हैं तो वो लोग एक जगह पर ही चारों का दर्शन कर सकते हैं, उन्हें अगर वो चार धाम नहीं कर सकते तो यहाँ पर ही वो लोग सब कुछ देख सकते हैं एक जगह पे। काफ़ी अच्छा बनाया गया है यहाँ पर, काफ़ी अच्छे से मेंटेन भी है ये देखिए। सो ये है हमारा बद्रीनाथ जिस पे हम लोग सबसे पहले आए हैं। यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे, ये जगन्नाथ टेम्पल है, उसके बाद वो है रामेश्वरम और वो होगा द्वारका। तो ये चार धाम जो हैं, एक यहाँ है, एक उसके साइड में, एक उधर। बहुत ही अद्भुत चीज़ यहाँ देखने को हम लोग को मिला है, वो है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा अद्भुत नहीं है, उसकी साइज़ जो है वो अद्भुत है। ये जो है ये तुलसी का पौधा है, इतना बड़ा मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ, इतना बड़ा तुलसी का पौधा। ज्योतिर्लिंग भी हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे और छोटे छोटे मंदिर भी हैं कुछ, तो हम लोग वो सब अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है बट स्टिल हल्की हल्की बारिश हो रही है। दिस इज गोना बी लाउड। ओके तो हम लोगों का चार धाम का जो दर्शन था वो ख़त्म हो गया, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। वहाँ पे हम लोगों ने शू डिपॉज़िट किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, वहाँ से हम लोग अभी अपने अपने जूते लेंगे और फिर अब यहाँ से हमें कहीं जाना नहीं है, यहाँ से एक्चुअली हम लोग डायरेक्ट अब होटल जाएंगे और रेस्ट करेंगे। 3:45 हो रहा है, होपफुली 4:30 या 5 o'clock तक हम लोग होटल पहुँच जाएंगे, उसके बाद आराम। बाईचुंग स्टेडियम बन रहा है यहाँ पे। इस ब्रिज से हम लोग वेस्ट सिक्किम एंटर कर रहे हैं, अभी हम लोग साउथ सिक्किम में थे। हाँ यहाँ पे बड़ा बड़ा पत्थर आके एक ट्रक को लेके गया नीचे, पूरा नीचे चला गया ये नदी में।
नदी में चला गया। ये रास्ता तो चौड़े हो रहा है लेकिन वो जबरदस्ती ड्राइवर घुसा दिया था तो ऊपर से लेन हो रहा था एक बड़ा सा पत्थर आके उसको लेके गया नीचे पूरा। लेकिन आदमी कुछ भी नहीं हुआ लेकिन गाड़ी चला गया। ड्राइवर बच गया। तो ड्राइवर तो बच गया, पहले निकल गया था वो। अच्छा अच्छा, ऐसा पत्थर आता है ऊपर से अभी कभी कभी, इतना ही बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा पत्थर था। अरे भाई यहाँ भी ऐसा, यहाँ पे भी बहुत सारे गिरता है थोड़ा थोड़ा अभी। नहीं नया नया कटिंग। कितने दिन पहले हुआ था ये? ये तो एक महीने पहले हुआ ऐसा। We just made it over here to our hotel. Alright, so now we are here in our room and this area is very nice. I mean, this hotel is super nice. Andar bhi inka kaafi acha hai. Bahut acha hai. Okay, that's all for today. If you guys like the video, then press the like button. And if you are new to this channel, then do subscribe to my channel. I make these type of travel vlogs. अगर आपके पास कुछ comments हैं या फिर suggestions हैं तो आप please comment box में मुझे बताएं so that I'll improvise. And बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे कल। कल बहुत ही exciting day होने वाला है क्योंकि हम लोग कल बहुत सारी जगह जाने वाले हैं. So it's gonna be super fun. Bye bye, peace.